एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ मसाला मैगी। और सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट में मैं मैगी ही बना रही हूँ आज। उसके बाद मैं आज का लंच भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मसाला मैगी मैं बना रही हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा अलग है जो सिंपल की सिंपल मतलब रोज़ में हम मैगी खाते हैं ना, उससे थोड़ा सा हटके है। और जब आप मैगी को थोड़ा अच्छे ढंग से बनाते हो ना, तभी वो थोड़ा सा स्पेशल बनती है, मतलब थोड़ा सा यम्मी और काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। और नहीं तो वो बहुत सिंपल सी लगती है। वो वैसी वाली मैगी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं हमेशा मसाला मैगी बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर तेल लिया था, तेल में मैंने डाला है जीरा। और जीरा जब अच्छे से भुन गया है तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज ऐड कर दिया है, और दोनों को एक साथ अच्छे से पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। और प्याज मैंने 2 लिए थे मीडियम साइज के, और 2 मैंने यहाँ पे टमाटर यूज किया है। और टमाटर मैंने डाल दिया है, और उसके बाद मैं टमाटर को अच्छे से पका लूँगी। बाद में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कि मेरे पास थोड़े से मटर थे तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैं सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखो, मैंने यहाँ पे ये कॉर्न लिए हैं, कॉर्न मेरी उबली हुई है, और ये फ्रोज़न कॉर्न नहीं है। इस समय जो सीजनल कॉर्न है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और उसके बाद सब चीज़ यानी सारी सब्जियों को मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैं अब डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और ये देखो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हल्दी भी ऐड कर दी है, और ये मेरे पास थोड़ा सा केचप मतलब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद सारी सब्जियों को सारे मसालों के साथ में मिक्स कर दे रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे छोड़ दे रही हूँ 4 से 5 मिनट के लिए, तब तक ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 पैकेट मेरे पास मैगी थी, और 3 लोगों के लिए मैंने एक एक पैकेट लिया हुआ है, तो 3 पैकेट है मेरे पास। और वो देखो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और बॉयल आने लगा है, और अब इसे हम छोड़ देंगे पकने तक के लिए। और ये देखो मैगी पक गई है, और ये बस 4 से 5 मिनट ही लगता है इसे पकने में। तो सारी सब्जियों के साथ में ये मिक्स हो गई है, और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये मसाला मैगी का, जो मेरे पास ये मसाला था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और सारी पैकेट को मैंने इसमें डाल दिया है। एंड लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, और इसमें मसाले में भी जो ये मैजिक मसाला होता है ना, इसमें भी थोड़ा सा नमक रहता है, तो मैं थोड़ा सा ही और ऐड कर रही हूँ ऊपर से। और लास्ट में मैं इसे ना मतलब बनने के बाद ये देखो ऊपर से मैंने ये केचप डाल दिया है, और बस मैंने गैस बंद कर दी है। अब इसे सर्व कर लेंगे एक प्लेट में, और बस ये देखो मेरी मसाला मैगी झटपट बन के रेडी हो गई है। और ऊपर से मैं यहाँ पे जो मेरी ये टूटी हुई थी ना मैगी, इसे मैंने पहले से ही रख लिया था और डालने के लिए, और इसे ऊपर से डालने से ना बहुत ही क्रंची सा टेस्ट आता है खाने में। तो बस ये देखो बन के रेडी, अब हम जा रहे हैं इसे खाने के लिए, और उसके बाद हम चलेंगे लंच बनाएंगे। और ये देखो मेरी मैगी काफ़ी बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी बनी थी, मसाला मैगी। और उसके बाद लंच में मैं आ गई हूँ किचन में, और लंच की तैयारी कर रहे हैं। लंच में मैं बनाऊँगी आज आलू और लोबिया की सब्ज़ी। जो बीन्स होती है ना मतलब देसी लोबिया, वो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ, और उसके साथ में मैं बनाऊँगी यहाँ पे आज लच्छा पराठा। और मैंने यहाँ पे तेल में जीरा डाला, जीरा के बाद मैं यहाँ पे प्याज मैंने डाल दिया है, प्याज को फ्राई करेंगे। उसके बाद ये देखो मेरे पास लहसुन और हरी मिर्च है, वो भी मैं डाल रही हूँ, पर प्याज को पहले फ्राई कर लेंगे। उसके बाद प्याज को डालने के बाद मैं यहाँ पे हरी मिर्च और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और ये देखो प्याज और हरी मिर्च को मैंने डाल दिया था। और अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। इन्हें अच्छे से ना तेल में भून लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी, धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है 3 चम्मच। और बस उसे इसे भी पका लेंगे, पर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे नहीं तो मसाले जल जाते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है टमाटर, कुछ कटे हुए टमाटर मैंने यहाँ पे डाले हैं। और बस उसके बाद गैस को मैंने थोड़ा सा धीमा कर दिया है। और अब ये देखो मैं ये कटी हुई बीन्स डालती हूँ और इसे मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आलू भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा नमक और गरम मसाला। और अभी सब्जी को ना चला के सारी सब्जी को एक साथ मतलब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया है। अब इसे ढक देंगे और एक बर्तन से इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे और जल्दी पक जाएगी ये सब्ज़ी, 8 से 10 मिनट में पक जाती है। और इधर मैं बनाने लगी हूँ पराठा। लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी मैदा। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ और मैंने 1 चम्मच यहाँ पे घी डाला है मोयन के लिए। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से गूँथ लूँगी। एक आटा तैयार करना है और जैसे कि एक पूरी या रोटी के लिए बनता है ना आटा, वैसे ही मैंने यहाँ पे बना लिया है। और ये ना थोड़ा सा मैं घी लगा के यहाँ पे हथेली की हेल्प से ना प्रेस कर करके और इसे मतलब छोड़ भी दूँगी मैं 10 से 15 मिनट के लिए। आटा रेस्ट कर रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ पराठा। और पराठे के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़े साइज का ही ना लोई लेके और पराठा मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और लच्छा पराठा जो होता है ना वो बाकी सारे पराठों से थोड़ा सा अलग होता है और इसे 2 बार बेलना होता है। मतलब एक बार ऐसे प्लेन बेल लेते हैं जैसे नॉर्मल रोटी या पराठा बनाते हैं और उसके बाद फिर एक बार ना घी लगा के और थोड़ा सा मैदा छिड़क के फिर हम इसे हल्के हाथों से ना प्रेस करते हैं, मतलब बेलन चलाते हैं बहुत ही हल्के हल्के हाथों से। आप देख रहे हो ना मैं कितने हल्के हल्के सॉफ्ट हाथों से इसमें बेलन चला रही हूँ। और ज़्यादा अगर प्रेस करेंगे मतलब ज़्यादा दबा देंगे मैदे में बेलन तो फिर वो बिगड़ जाता है, यानी कि सारा मैदा आपस में चिपक जाता है और वो जो मैंने लेयर बनाई है ना वो फिर दिखेगी भी नहीं और सिकने के बाद वो हमें पता भी नहीं चलेगी। और अभी मैंने ये देखो जो पराठा डाला है उसमें देसी घी से मैंने सेक दिया है। दोनों साइड में मैं सेक दूँगी और इस साइड भी मैं सेकने लगी हूँ, आप देख रहे हो ना। और इधर मैंने ये जो पराठा बनाया है इसमें पहले मैंने घी लगाया और उसके बाद मैदा, फिर वही छिड़का और उसके बाद मैं ये आप देख रहे हो ना पहले एक बार मैं पीछे जाती हूँ फिर आगे आती हूँ और ऐसी लेयर बनानी है, पहले पीछे जाना है फिर आगे की तरफ आना है और आप देख रहे हो ना। तो बस मेरा आज लच्छा पराठा खाने का मन था, नॉर्मल पराठे या रोटी खाने का मन नहीं था तो मैं ऐसी सूखी सब्जी के साथ में आज मेरा मन किया कि मैं लच्छा पराठा खाऊं। और आप देख रहे हो ना ऐसे राउंड राउंड करके बना लेना है पहले, और जैसे एक गुलाब का फूल होता है ना वैसा ही मतलब सेम इसका सेप दिखता है, मैंने आपको दिखाया ना। और बस आज का मेरा लंच यही था और आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना।